सैमसंग A30 जिस पर सैमसंग अकाउंट लगा हुआ है, जिस वजह से इसको ना तो रिस्टोर कर पा रहे हैं। तो उसको कैसे बाईपास करते हैं आज मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसमें अकाउंट है या नहीं। अकाउंट ये देखिए, सैमसंग अकाउंट, इसमें सैमसंग अकाउंट लगाया है, इस वजह से इसको ना रिस्टोर कर सकते। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जब रिस्टोर करेंगे तो ये अपना पासवर्ड मांगेगा। अगर यहाँ पे आप करोगे तो पासवर्ड मांगेगा, इसलिए मैं आपको पहले इसका सलूशन बता देता हूँ कि इसको कैसे रिमूव करें। अगर आप यहाँ पर जाके इसको वन बाय वन रिमूव भी करना चाहो तो भी ये नहीं होगा। देखिए यहाँ से अकाउंट, लेकिन ये प्ले स्टोर की जो आईडी है उसको यहाँ से हटा देते हैं, अदरवाइज ये FRP लॉक में मांगेगा। यहाँ पर इसको रिमूव करने का कोई ऑप्शन नहीं है, रिमूव अकाउंट अगर यहाँ पे देखते हैं करते हैं तो ये वेरिफिकेशन के लिए मेल जाएगी वहाँ पे, इसलिए इसको यहाँ से नहीं करते। इसको अलग एक सलूशन है, बैग जाइए बिल्कुल और अबाउट में जाके सॉफ्टवेयर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे 6-7 बार तो डेवलपर मोड ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑन हो जाएगा। वहाँ पे जाएं डेवलपर ऑप्शन में और OEM अनलॉक को ऑन करते हैं। अब आप इसको हार्ड रीसेट करते हैं, बताता हूँ आपको हार्ड रीसेट के लिए। पहले इसको टर्न ऑफ, हार्ड रीसेट करने के लिए वॉल्यूम प्लस पावर बटन दोनों एक साथ दबाएंगे। सैमसंग लोगो आने के बाद वॉल्यूम बटन सिर्फ दबाएंगे। सैमसंग लोगो आने के बाद पावर बटन को छोड़ दें लेकिन वॉल्यूम बटन को दबाए रखें, तो ये रिबूट ऑप्शन आएगा। यहाँ से हम जाएंगे एक्टिव डाटा रीसेट, रिस्टोर कर दीजिए। अब ये ना तो FRP मांगेगा और ना ही सैमसंग अकाउंट मांगेगा आपसे, सीधा स्किप हो जाएगा। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑन होने में 2 मिनट लगेगा, वेट कीजिए। ऑन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। अगर आपके सेट में किसी वजह से आपको OEM अनलॉक करना भूल जाते हैं और सीधा हार्ड रीसेट कर देते हैं, और जिस वजह से आपके सेट में FRP लॉक की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए मैं आपको कॉम्बिनेशन फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फुल फाइल का, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसको किसी भी बॉक्स या टूल की वजह से उसको फ्लैक्स करके आप ये अपने सेट का FRP रिमूव कर सकते हो। ऑन हो गया सेट, अब देखते हैं कोई अकाउंट या आपसे कोई सैमसंग अकाउंट या FRP लोग मांगते हैं या नहीं। मांगेगा नहीं अगर आपने OEM अनलॉक ऑप्शन को ऑन किया है, तो कभी भी आपसे आपका कोई भी अकाउंट नहीं मांगेगा, ये बात आप याद रखना। अगर आपके पास सेट ऑन है तो उसे रीस्टोर करने से पहले वो जरूर ऑन कर ले। स्किप, फिनिश। ये देखिए कोई भी अकाउंट आपसे नहीं मांगेगा, ये डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। दोबारा आपको दिखा देता हूँ सेटिंग में, A30 सॉफ्टवेयर इनको 9 वर्जन है, A30 मॉडल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी समस्या
या प्रॉब्लम आई तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मैंने आपको बताया, अगर आपके लिए FRP करते हुए अगर कोई प्रॉब्लम आई, मैं आपको फाइल दे देता हूँ दोनों, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि इसको कैसे अनलॉक करना है, क्या प्रोसेस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।